सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए उसके आधार पर जांच आगे चल रही है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी इसमें हो नहीं पाई है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। साथ ही साथ खतरा और भी गैंग वॉर का है, इसलिए पुलिस अब ज्यादा अलर्ट। वीडियो नंबर एक, थार के पीछे कार। वीडियो नंबर दो, सिद्धू की गाड़ी का पीछा। वीडियो नंबर तीन, हमलावरों की कार। वीडियो नंबर चार, सिद्धू की तेज रफ्तार थार। वीडियो नंबर पांच, थार का पीछा करती सफेद कार। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक के बाद एक सामने आ रहे ये वीडियो कत्ल की उस कहानी के अहम किरदार और चश्मदीद भी बनते जा रहे हैं, जिस कहानी के सिरे तक पहुंचने के लिए पंजाब पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब तक सामने आए वीडियो में ये सबसे ताजा वीडियो है। एक खाली पड़ी संकरी की सड़क पर अचानक तेज रफ्तार थार गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देती है। ये वही थार है जिस पर सिद्धू मूसेवाला सवार था, बल्कि वो खुद इस गाड़ी को चला रहा था। लेकिन इसी वीडियो ने एक और बात उजागर की है कि वो है सिद्धू मूसेवाला की थार के गुजरने के चंद सेकंड बाद ही एक और गाड़ी बड़ी ही खामोशी से गली से निकलकर उसी सड़क पर आगे बढ़ती दिखाई पड़ती है। ये गाड़ी बोलेरो है, जिसके बारे में पुलिस का अंदाजा है कि इसी बोलेरो गाड़ी पर वो हमलावर सवार थे, जिन्होंने आगे जाकर सिद्धू मूसेवाला को अपना निशाना बनाया था। ये वीडियो बुधवार की शाम को वायरल हो रहा था। इस वीडियो में भी वो बोलेरो गाड़ी नजर आ रही है जिस पर कातिल सवार थे। ये बात तो अब दबी छुपी नहीं रही कि AN-95 और AK-47 जैसे बेहद आधुनिक हथियारों से सिंगर सिद्धू मूसेवाला को उसकी ही कार में छलनी कर दिया गया था। गोलियां इस रफ्तार से सिद्धू मूसेवाला पर बरसाई गई थी कि उसे अपनी ही सीट पर ही झुकने तक का वक्त नहीं मिला। इस हत्याकांड ने पंजाब से लेकर दिल्ली तक की पुलिस को अचानक एक्शन मोड में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि अभी तक इस हत्याकांड में किसी भी तरह का कोई साक्षात चश्मदीद तो सामने नहीं आया। अलबत्ता हत्या से जुड़े किस्से और हत्या के पीछे की तमाम थ्योरियां जरूर सुनाई पड़ रही हैं। लेकिन पुलिस को तो हत्या की ये गुत्थी सुलझानी है। पुलिस को ये तो पता है कि हत्या पंजाब के भीतर अपनी औकात दिखाने की जिद में गैंगवार का ही नतीजा है, लेकिन ये अभी तक राज नहीं खुल सका है कि आखिर असल में इस हत्या को किस गैंग के किस शूटर ने अंजाम तक पहुंचाया। लिहाजा पुलिस को इन्हीं वीडियो के जरिए अपनी कहानी को सुलझाकर उस कातिल को जमाने के सामने लाने की जिम्मेदारी है, जिसने पंजाब के एक सिंगर को इस तरह दिन दहाड़े डंके की चोट पर उससे सुरक्षा वापस लिए जाने के एन दूसरे ही दिन मौत के घाट उतार कर देश भर में सनसनी फैला दी। हालांकि पुलिस के सूत्रों से ये जरूर पता चला है कि हत्या से पहले और बाद के जितने भी वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं, उन्हें सिलसिलेवार देखने के बाद पुलिस काफी हद तक उस सिरे के बेहद नजदीक जा पहुंची है जहां सिद्धू मूसेवाला का कातिल और उसका गैंग खड़ा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक के बाद एक कई सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं और पुलिस के हाथ लग चुके हैं। इन सीसीटीवी फुटेज के सहारे पंजाब पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं और पंजाब पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसके हाथ कातिलों के गिरबान तक होंगे। अब तक जितने भी वीडियो सामने आए हैं उन सभी से कातिल से जुड़ी कोई न कोई नई कहानी भी सामने जरूर आई है। जाहिर है कि पुलिस इन वीडियो की शक्ल में बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर उस सच के नजदीक पहुंचना चाहती है, जिस सच के दामन में सिद्धू मूसेवाला की हत्या का पूरा सच छुपा हुआ है। हालांकि वीडियो सामने आने का ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, अभी कुछ और वीडियो भी सामने आने बाकी हैं, लेकिन तस्वीर तो तभी साफ हो सकेगी जब असली कातिल का चेहरा लेकर पंजाब पुलिस किसी वीडियो को सामने लाएगी। अरविंदो झा और तनसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।